नबीगंज का बीओ एक नंबर घुसखोर मेहमान सबसे हटता है तो 20 रुपए अभी पकड़ से लेता है, ये मेरे को सक्षम जानकारी है और मैं भरोसी बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों की उपस्थिति व मिड डे मील को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। एक के बाद एक विद्यालय चर्चा का विषय बन जा रहा है। विगत दिनों में भोपतपुर के बाला एक विद्यालय मीडिया पर छाया हुआ था, तो वहीं एक और विद्यालय को ग्रामीणों ने आरे लिया है। लकड़ी नबीगंज की गोपालपुर पंचायत के नवादा के एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ग्रामीणों ने पड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार जहां विद्यालय में शिक्षकों के देरी से पहुंचने व मिड डे मील के भोजन में अनियमितता बरती जा रही है, वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि गाड़ी खराब होने व अन्य कई कारणों से विद्यालय आने में कभी कभी देरी हो जाती है। अस्कर सर, आपके स्कूल में गोपालपुर पंचायत में न 10 बजे प्रार्थना हो रहा है, 9:45 बजे? हाँ, मैंने क्यों अभी आ पा रहे हैं, आखिर क्यों? गाड़ी खराब है, ये दिल्ली का नियम है, ग्रामीण तो बोल रहा है कि दिल्ली जी, तो प्रार्थना तो हो जाना चाहिए था। हम नहीं तो ना, ना आपके आने से या और भी तो टीचर होना चाहिए था यहाँ पे। वहीं मिड डे मील में भोजन की मात्रा पर उन्होंने नापतोल करने की बात कही। जब मीडिया नापतोल पर सहमति जताई तो वे शांत हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक शिक्षिका का स्थानांतरण प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लगभग एक माह पूर्व ही गोपालपुर से नवादा विद्यालय स्थानांतरित कर दिया गया है। जब गोपालपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि उषा कुमारी का स्थानांतरण गोपालपुर से नवादा कर दिया गया, जबकि नवादा के प्रधानाध्यापक असगर अली ने बताया कि अभी उनका योगदान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब शिक्षिका का स्थानांतरण नवादा में हुआ है तो अभी तक वो कहाँ है? उषा कुमारी राजकीय उत्क्रमित विद्यालय गोपालपुर से बीओ के द्वारा उसका मौखिक डिक्टेशन मध्य विद्यालय नवादा में कर दिया गया है, लेकिन वो रजिस्टर अभी तक यहाँ उपस्थिति नहीं है। यहाँ नहीं है बस। यहां आपके रजिस्टर में एंट्रेंस हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अभी तक यहाँ योगदान नहीं है कि नहीं? वो नहीं, यहाँ नहीं है। देखिए उषा कुमारी नहीं है? नहीं। ठीक है, अपना नाम बता सकते हैं? अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम हाँ। मेरा नाम डीओ के मिली भगत से ही शिक्षिका को मनमानी करने का मौका मिला है। मौके पर उपस्थित धर्मेंद्र कुमार, राहुल पाल, चंदन सहनी, मोतीलाल पाल, सचिन पाल, ब्रजकिशोर सिंह, मुरारी सिंह, उमेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, अशोक सिंह, सुग्रीव सिंह, सुरेंद्र पाल, सत्यनारायण, भरत शाह आदि लोग मौजूद थे। एक भी बिना रिसोर्स का कोई ना स्कूल में जाता है ना आता है, और जीवित रहेगा जाएगा ना आएगा, उससे अच्छा है कि अब बीओ को सूचना रीता कुमारी को दिया है? रीता कुमारी को कभी मैंने जानकारी दी है इस बात को? किसी को नहीं जानकारी दी है, बीओ को रिश्वत चाहिए। बीओ को क्या जानकारी से मतलब है? रिश्वत मिलकर उनका बीवी बच्चे पला, दुनिया पल गया। ये बीओ से जाकर के पूछिए, चाहे अभी बुलाइए सारे जनता, क्योंकि बीओ के चार्ज दिए है, किसी को सूचना नहीं दिए है। नबीगंज का बीओ एक नंबर घुसखोर मेहमान सबसे हटता है तो 20 रुपए अभी पकड़ से लेता है, ये मेरे को सक्षम जानकारी है और मैं भरोसी बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। नबीगंज ब्लॉक पर भी कह दूंगा, अदालत में भी कह दूंगा उसके बारे में। टीवी में देखो एकदम आ जाए, देखो टीवी में। हम जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।